दोस्तों नमस्कार, इजी इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। मैं बीसी पटेल। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज देखेंगे हाउस वायरिंग का छत ढलाई से पहले पाइपलाइन बिछाना। देखिए, मैं आपके सामने बिफोर स्लैब कंक्रीट पीवीसी पाइप वायरिंग हाउस वायरिंग का एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये आपका छत है जिसमें सरिया पड़ा हुआ है और मैं पीवीसी पाइप देख लीजिए जिसमें लिख दिया हूँ पीवीसी पाइप वो डाल दिया हूँ मैं। पीवीसी पाइप इस तरह को वायरिंग करने से हम लोग का बजट कम हो जाता है और हम लोग का जो घर है सुंदर दिखता है। खोदने खादने से हम लोग का घर बच जाता है। ये देखिए, हमने ये 8 कमरे का रूम है, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4, रूम नंबर 5, 6, 7, 8। ये देखिए, ये जो दिखा रहा हूँ ये पीवीसी पाइप है, ये पीवीसी पाइप है। और बीच बीच में जो राउंड टाइप का वो सीलिंग रोज है हम लोग का, वो सीलिंग रोज डाले हुए हैं। और ये हम लोग का पीवीसी पाइप डाला हुआ है। देखिए, ये रूम नंबर 7 जो टॉप व्यू है रूम नंबर 1, 3, 5, 7 में गया, जो डाउन व्यू है आपका 2, 4, 6, 8 में गया है। ये देखिए, ये मेन सोर्स आया यहाँ से आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ये देखिए, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है आपका पाइप। ये कंक्रीट करने से पहले या स्लैब का ढलाई से पहले आपको इस तरह से पाइपलाइन डालना है। और जो लोग वायरिंग करते हैं इस तरह का पाइपलाइन का वायरिंग होता है। ये है आपका सीलिंग रोज। इस सीलिंग रोज में लिख भी दिया हूँ, आप लोग समझ जाएंगे बोल के। ये आपका सीलिंग रोज है और ये सीलिंग रोज आपको जो ढलाई में हम लोग डालते हैं थोड़ा बड़ा साइज का डालते हैं सीलिंग रोज। अब देखिए, हम लोग का जो केबल है, केबल का लेयरिंग कैसे होता है। यहाँ से हमने डायरेक्ट, ये देखिए मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। ये देख सकते हैं कि जो आपका सीलिंग रोज है कैसे, सीलिंग रोज से कनेक्शन कैसे करते हैं, जॉइंट कैसे करते हैं, इसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, इस तरह से जैसे हमने एक पॉजिटिव तार जो रेड कलर का डाले हैं, देखिए इस तरह का हमने एक पॉजिटिव तार लेयरिंग किए हैं। मेन सोर्स से सीधा हमने 8 नंबर रूम तक पहुंचा दिए हैं। रूम नंबर 8 तक हमने उसको डाल दिए हैं। किसको? वायर को। ये रेड कलर मतलब ये आपका हो गया फेस। ये फेस है क्योंकि ये रेड कलर है। और अभी जो ब्लू कलर डाल रहे हैं ये आपका न्यूट्रल है, क्योंकि जब जानते हैं कि अगर हाउस वायरिंग है तो इसमें 3 तार ही आएगा, रेड, ब्लू या ब्लैक या ग्रीन। आपका अर्थिंग के लिए क्या आएगा, प्लस माइनस के लिए आएगा। तो मैं पहले सबसे पहले आपको ये दोनों के बारे में बताता हूँ। इस तरह से आपका क्या होता है, देखिए रूम नंबर 1 के लिए चला गया है आपका न्यूट्रल। और यहाँ से हमको रूम नंबर 2 के लिए भी न्यूट्रल हमको लेयरिंग कर देना है, जो पीवीसी पाइप में पहले ही स्लैब कंक्रीट होने से पहले ही हमको वायर को बिछा देना है। और देखिए, रूम नंबर 3 में हमने न्यूट्रल को, जो न्यूट्रल वाला वायर है उसको लेयरिंग कर दिए हैं, बिछा दिए हैं। और रूम नंबर 4 में भी हमने न्यूट्रल को बिछा दिए हैं, अब रूम नंबर 5 में भी हमने न्यूट्रल को इस तरह से सेम प्रोसीजर में बिछाना है। इसमें इजी होता है, इसका वायरिंग ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। और हमको कहाँ तक पहुँचाना है, जो रूम है उसका जो दीवाल है, दीवाल का तक पहुंचा देना है, क्योंकि हमने दीवाल में भी पहले प्लास्टर होने से पहले हमने पीवीसी पाइपलाइन का लेयरिंग कर चुके हैं। आइए देखते हैं, हमने देखिए रूम नंबर 7 और 8 में भी हमने क्या कर दिए हैं, बिछा दिए हैं। जो रूम नंबर 7 और 8 है उसमें भी हमने लेयरिंग कर दिए हैं। अब ये तो हम लोग का न्यूट्रल वायर जो नेगेटिव वायर लेयरिंग था, और इस तरह से हमने क्या करेंगे, पॉजिटिव वायर को भी लेयरिंग कर देंगे। उसका साथ साथ हमने जो अर्थिंग तार है, मतलब ये मल्टी कोर का होता है और सिंगल तार का हमने वायरिंग करते हैं। और इसमें जब वायर बिछाने से हमको एक फ़ायदा होता है कि इसमें आर्मर डाल के छोड़ना नहीं पड़ता है, और जब हमने इसका ढलाई करते हैं तो सीधा सीधा हमको कनेक्शन में आ जाते हैं। इस तरह से कनेक्शन करके आपको छोड़ देना है, इसके बाद इसमें कंप्लीट होगा और स्लैब होगा, कंक्रीट और स्लैब हो जाएगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि पीवीसी पाइप का रहता है और पोली भी नहीं कट रहता। और जब आप इस तरह की वायरिंग करिए तो थोड़ा महंगा क्वालिटी का या अच्छा क्वालिटी का आपने थोड़ा पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करिए।
क्योंकि अगर लो रेंज का या थोड़ा बैड क्वालिटी का अगर आपने ये करेंगे तो कंक्रीट में ये फट सकता है, और जब कंक्रीट में फट सकता है तो आपका जो वायर आपने लेयरिंग करे रहेंगे तो वो वायर में डैमेज हो सकता है। इसीलिए जो कभी भी आपने क्या कि जब स्लैब का ढलाई करते हैं तो इसमें वाइब्रेटिंग मशीन भी चलाते हैं स्लैब को मजबूत करने के लिए, लेबलिंग करने के लिए और ईयर बाईपास करने के लिए। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी आप पाइप पीवीसी पाइप डालेंगे, जब भी आप पीवीसी पाइप देखिए ये बता रहा हूँ, जब भी पीवीसी पाइप आप लेयरिंग करेंगे थोड़ा अच्छा क्वालिटी का लेयरिंग करिए। ये देखिए मैंने आपका रूम नंबर 1 से लेकर रूम नंबर 8 तक हमने क्या किए हैं, मतलब पीवीसी पाइप में हमने केबल भी लेयरिंग कर दिए हैं, केबल भी हमने लेयरिंग कर दिए हैं। और जब केबल लेयरिंग कर दिए तो अभी हमको बच गया है हम लोग का जो रूम है 1 नंबर रूम से लेकर 8 नंबर रूम तक हम लोग को क्या करना है। ये देखिए जो राउंड चीज़ दिया हूँ ये आपका सीलिंग रोच है, कभी अगर यहाँ से चेंज होता है और कभी हमको काम करना है तो ये रूम की अंदर से ही ये ओपन होता है, ये सीलिंग रोच होता है और रूम के अंदर से ही ओपन होता है। इस तरह का सीलिंग रोच रहता है, हमको अगर कभी काम करना है ब्रेक हो गया या कुछ हो गया, चाहे आप 3 फेस करिए 2 फेस करिए या 1 फेस करिए, वायरिंग सेम ही होता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होता है। अगर 2 फेस करेंगे तो रूम नंबर 1-2 को मेरा, अगर 3 फेस का हाउस वायरिंग देखें तो प्लीज़ आप देख के समझ जाएंगे कैसे आपको 3 फेस का केबल लेयरिंग करना है। ये हो गया है हम लोग का इस स्लैब की ढलाई से पहले। और जो छोटा छोटा लाइन दिया हुआ आपका छरिया है 8mm 12mm का जो भी आपका डालते हैं 8mm 12mm का ये छरिया है। इसके बाद इसमें क्या होगा कंक्रीट होगा, ये लेयरिंग होने से पहले कंक्रीट होगा और ये इजी वायरिंग होता है, इसमें ज़्यादा टॉप नहीं होता है क्योंकि हमने पहले ही पीवीसी पाइप एंड वायर को लेयरिंग कर चुके होते हैं, इसीलिए ये बहुत इजी होता है और आपका जो वायरिंग का प्रोसीजर है बहुत सस्ते में काम कर जाता है। और आपका जो घर है खुदाई से पहले खुदाई से बचे रहता है, खुदाई से बचे रहता है घर सुंदर दिखता है। और हर आदमी चाहता है कि हमने सुंदर ही रहे घर और इसमें ज़्यादा तोड़ फोड़ ना हो, इसीलिए हमने क्या है प्लास्टर और स्लैब होने से पहले कंक्रीट होने से पहले क्या करते हैं हमने जो पाइपलाइन है उसको बिछा के हमने वायरिंग कर देते हैं। ये देखिए अब मैं इसी की बात कर रहा था, ये देखिए आपका रूम नंबर 2 देख सकते हैं, इसमें भी पीवीसी पाइप हमने जो ब्लू कलर का लाइनर में देखिए बिछा दिए, ये भी पीवीसी पाइप है। रूम नंबर 4, रूम नंबर 6, रूम नंबर 8, रूम नंबर 1, रूम नंबर 3, रूम नंबर 5 एंड रूम नंबर आपका 7। इसमें आप ले देख ले होंगे कि मैंने एफ बी और पी तीनों पॉइंट बनाया हूँ। पी मतलब पॉइंट है, आपने किसी भी पॉइंट दे सकते हैं उसमें, और एफ मतलब आपका फैन है और पी मतलब आपका बोर्ड है जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड रहता है। ये मैं आपको बता दिया हूँ इस तरह से हमको पीवीसी पाइप प्लास्टर होने से पहले बिछा देना है। और ये कहाँ से आया है आपका जो छत है छत से ही आया है, इसीलिए मैं रूम नंबर दे दिया हूँ कि जो रूम नंबर 8 है तो जो हम छत का ढलाई किए तो ऊपर से ही आया है ये वायर, ये पीवीसी पाइप। और हमने इसमें ये देखिए ये रूम नंबर 1 से सीधा रूम नंबर 1 में आया है, इसी की बात कर रहा था मैंने, ये पाइप आया कहाँ से तो ऊपर से आया है और रूम नंबर 2 से 2 में आया है। इस तरह से ये सारी रूम में इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। रूम नंबर 3 से 3 में आया है, ये देखिए रूम नंबर 3 में आया है। और रूम नंबर जो 4 से ऊपर छत से मैं दिखाया हूँ, ये देखिए ये आपका रूम नंबर 4 है तो इसी से आया, इस बार इस तरह से आ जाता है ये डायरेक्ट। देखिए रूम नंबर 5 से सीधा सीधा आपका रूम नंबर 5 में आ गया है, रूम नंबर 5 में आपका आ चुका है। और इस तरह का वायरिंग करने में घर इतना सुंदर दिखता है। और वायरिंग में आपको पहले से बता रहा हूँ कि जो पीवीसी पॉलीविनाइल कोटेड वाला जो पाइप आप डालेंगे तो प्लीज़ आप मेरी बात मानिएगा, थोड़ा जब आप घर बना रहे हैं तो इतना खर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें क्वालिटी रखिएगा, क्योंकि ये सालों साल के लिए वायरिंग करना है, आपको 5 साल 10 साल के लिए वायरिंग नहीं करना है। और हम प्लानिंग करते हैं कि ये वायरिंग बहुत दिन तक चलते रहे, मतलब टारगेट तो हम लोग 100 साल का करते हैं और उसी हिसाब से हम लोग केबल का लेयरिंग करते हैं, केबल डालते हैं, केबल का कैलकुलेशन करते हैं। आप जानते हैं कि अगर लोड से हमने 8 गुना हम 12 केबल डालते हैं, अगर 2.5 का हमने अगर स्क्वायर एमएम का अगर हमने मल्टीकोर का
जो पॉजिटिव केबल डाल रहे हैं, रेड केबल डाल रहे हैं, तो उससे 8 गुना मतलब हमने सीधा 6 या 8 का मल्टीकोर का हमने न्यूट्रलाइज केबल डालते हैं, क्योंकि न्यूट्रल कॉमन रहता है और लोड तो दोनों में बराबर रहता है। ऐसा नहीं कि आपका फेस में अलग रहेगा, न्यूट्रल में अलग रहेगा। अगर मान के चलिए मेन आपका मेन वाला जो फेस है उसमें अगर 15 एम्पीयर है तो आपका न्यूट्रल में 15 एम्पीयर रहेगा, उसमें कोई शक नहीं। इसीलिए उसका थोड़ा हमने जो न्यूट्रल लूपिंग करते हैं उसका हमने क्या करते हैं, थोड़ा सा हमने बढ़ा के डालते हैं। और प्लीज आप लोग इस तरह से वायरिंग करिए, और ये वायरिंग बहुत सक्सेसफुल होता है, और इसमें कुछ सोचना नहीं है। जो लोग वायरिंग करते हैं आजकल तो आप जानते होंगे कि नॉन टेक्निकल ही ज़्यादा वायरिंग करते हैं, टेक्निकल से टेक्निकल वाले खाली सुपरविजन करते हैं, सुपरवाइजर करते हैं। जो भी आदमी इसमें जो भी लेबर लगे रहते हैं, देखिए मैं आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ यहाँ पर बिफोर स्लैब कंक्रीट पीवीसी पाइप लेयरिंग वायरिंग फॉर हाउस वायरिंग। ये देखिए ये आपका रूम नंबर 1 2 3 4 5 6 7, इसी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको डीपली बता रहा हूँ कि इस तरह से आपको पाइप डालना है। ये सीलिंग लोच है, इस तरह से पाइप डाल के आपको नीचे ले आना है। मैं आपको ये पूरा इजीली दिखा रहा हूँ क्योंकि ये इजीली टिकाल है। अगर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आप बेकार हैं तो इस तरह का वायरिंग सीख के आप 2 पैसा कमा सकते हैं, और ये इजी है और बहुत ही इजी है, और इसमें बहुत पैसा मिलता है। जब आप वायरिंग करने लगेंगे तो एक पॉइंट का पैसा होता है, बहुत पैसा मिलता है, और एक लाइक तो बनता है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी बनता है इसमें। और शेयर तो ज़रूर करिएगा, जो लोग बेकार है उन लोग कुछ काम कर लें, ये मेरी आशा है इस वीडियो से। और आपको लेयरिंग करना है जो रूम नंबर में 8 तो दिखा हूँ, इस तरह से लेयरिंग करना है। ये मैं एक कंपार्टमेंट का दिखाया हूँ, चाहे इसमें 100 कंपार्टमेंट क्यों रहे वायरिंग ऐसी होता है। और जो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाया हूँ, सोर्स से आगे बढ़ाया हूँ, ये वाला जो दिखा रहा था थोड़ा सा हल्का सा, तो ये क्या है नेक्स्ट कंपार्टमेंट के लिए चला जाता है। और जब नेक्स्ट कंपार्टमेंट के लिए चला जाता है तो वहाँ से आगे दूसरे अपना जो रूम होता है जो 8 रूम का, वो उसमें आपका क्या होता है आपका वायरिंग बढ़ते रहता है। तो जब हमने कंपार्टमेंट का करते हैं तो उसमें सिंगल फेस का नहीं करते हैं, इस तरह से आपको एक मैं बता रहा हूँ कि इसमें मैं छोड़ दिया था जो आपका अर्थ केबल है, अर्थ केबल है, यहाँ से ऐसी लेयरिंग होता है, 3 कोर का लेयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग इजी इलेक्ट्रिकल, और आप वॉच करते रहिएगा। धन्यवाद।